मुरादाबाद के अगवानपुर दीवान शुगर मिल चलने की तैयारी पूरी की गई है। चयन पूजा कर नई चयन का शुभारंभ किया गया। नए सत्र 2023 और 24 में दीवान शुगर मिल चालू करने के लिए तैयारी पूरी की गई, जिस पर किसानों को परिचय वितरण मैसेज पहुंचा दिया गया। नेट पर किसानों की पर्ची डिटेल के कैलेंडर भी भेज दिए गए। नक्षत्र में मिल चालू होने से पहले नई चेन लगाई गई है, जिससे किसानों को मिल में आकर लाइन में लगने पर ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। इसलिए किसानों की सुविधा के लिए मिल में नए सत्र पर दो गन्ना पिलाई के लिए दो चीन लगाई जाएंगी, जिससे मिल में ट्रैक्टर ट्रॉली की भीड़ ना लग सके। नए सत्र में मिल चलने के उपलक्ष में जीएम केन रामेंद्र त्यागी से बात करने पर सिटी चैनल को बताया गया कि नए सत्र 2023 और 24 में चालू होने वाले मिल की तैयारी पूरी कर ली गई, जिस पर आज चयन पूजा कर चयन का शुभारंभ किया गया। किसानों को पर्चियां और एक कैलेंडर डिटेल का मैसेज भी भेज दिया गया है। हमने किसानों की सुविधा के लिए दूसरी चेन तैयार की है, जिससे मिल में आने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों की भीड़ इकट्ठी ना हो। हमने किसानों की सुविधा के लिए और भी कई प्रकार की व्यवस्था की है, जिससे किसानों को कोई समस्या ना आए। हम हर समय किसानों के लिए 24 घंटे खड़े हैं। चयन पूजा के दौरान चीफ सिक्योरिटी श्री कैप्टन नरेंद्र कुमार बात करने पर सिटी चैनल को बताते हैं कि आज मिल चलने की तैयारी को लेकर चयन पूजा का कार्यक्रम किया गया, जिस पर हमने भी अपने हर पोस्ट के गार्डों को तैयार किया है, साथ ही अपने अपने ड्यूटी स्थान पर तैनात कर दिया। मिल में किसानों की समस्या को देखते हुए मिल परिसर में रोड भी बनाए गए हैं, ताकि किसी किसान का ट्रैक्टर या बैलगाड़ी ना फंस सके। हम भी किसानों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं और तैयार है। चयन पूजा में उपस्थित थे जीएम कैन श्री रामेंद्र त्यागी, श्री निर्मल चंदपन, चीफ सिक्योरिटी कैप्टन नरेंद्र कुमार सिंह, जीएमटी अशोक पवन कुमार, सिविल इंजीनियर विनय चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे। शुगर मिल में आज जो है चयन पूजा हमारी हुई है और मिल चलने के लिए तैयार है। जैसे ही गन्ना पूर्ण मात्रा में आएगा, इंडन दे दिए गए हैं, वैसे ही हमारी मिल चालू हो जाएगी। अच्छा, इस बार इस सत्र में किसानों की सुविधा के लिए आपके गार्ड की व्यवस्था क्या है? गार्ड हमारे हर पोस्ट पे हैं और पूरी जो है व्यवस्था की गई है। दूसरा ये है कि इस बार हमारा जो है रोड और जो प्लॉट जो बीच में कभी जो कच्चा था, वो चारों तरफ जो है बहुत अच्छी तरह बनाए गए हैं। किसी भी ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक को कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। रोडों का तो एक तरह से जाल बिछा दिया गया है। किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसानों के लिए यही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि अपना साफ सुथरा गन्ना लाएँ। वो आपका उनका खुद का मिल है। जितना अच्छा गन्ना लाएंगे, रिकवरी अच्छी आएगी, अच्छा प्रॉफिट होगा। किसानों के लिए हमेशा मैं यहाँ पे 24 घंटे तैयार रहता हूँ। कभी उनको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। वह अच्छा गन्ना लाएँ, साफ सुथरा गन्ना लाएँ और मिल के जो नियम हैं उनको अपनाएं। मैं दीवान शुगर्स लिमिटेड अगवानपुर के जीएम केन के पद पर हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज दीवान शुगर्स लिमिटेड अगवानपुर के पेराई सत्र 23-24 के लिए विधिवत पूजन कर लिया गया है। कांटे से लेकर अंदर तक की समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। किसानों को गन्ना आपूर्ति के लिए पर्चियों का वितरण हो गया है, SMS पहुंच गए हैं। आज एक बैलगाड़ी का पूजन हो गया है। जैसी गन्ना एकत्रित होगा, पर्याप्त मात्रा में गन्ना आने पर चीनी मिल के पेराई सत्र 23-24 का शुभारंभ कर दिया जाएगा। हमारी चीनी मिल पेराई के लिए पूर्णतः तैयार है। विधिवत पूजन कर लिया गया। नए सत्र में किसानों के लिए क्या क्या सुविधा? नए सत्र में किसानों को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है, कृषक शेड है, यदि किसानों को देर सवेर होती है उनके लिए कृषक शेड की व्यवस्था है और तोल की 24 घंटे व्यवस्था है। समुचित प्रकाश और पानी आदि सब व्यवस्थित है। कहीं किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। 24 घंटे हमारे अधिकारी किसानों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। यदि कहीं किसी किसान को कोई दिक्कत आती है तो मैं स्वयं भी वहाँ पहुँच करके उनकी समस्या का तत्काल निराकरण करने का